हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर ये वीडियो, जो मेरे को बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की क्वायरी आ रही थी कि सर, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट में पूछा जाता है क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बेस्ड, उसको हम लोग किस तरीके से बेस्ट आंसर कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि हम लोग क्या छोटी छोटी बातें ध्यान में रख सकते हैं, जिससे हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है वो बहुत अच्छे मैनर में हम यहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो का टाइटल ही है दैट हाउ टू आंसर ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में कितने मार्क्स कैरी करेगा और ये बेसिकली कहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी क्वेश्चन का पार्ट होता है और उसमें सबसे पहला सब पार्ट पार्ट नंबर ए में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपके पास सिक्स स्टेटमेंट्स आएंगी फॉर टू मार्क्स ईच, दैट मीन्स 12 मार्क्स का ये आपके पूरे पेपर में पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज है ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन की, और अगर हम लोग ये बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें तो अपने 12 मार्क्स को यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। और ये तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें वैसे भी करना ही है, बिकॉज ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग चॉइस में नहीं छोड़ सकते। तो बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त या इस क्वेश्चन को लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लोग लिख कर आएंगे जिससे हमें इस क्वेश्चन में हर पार्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो टिप्स इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन इज आस्क, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ट्रू फॉल्स के मोड में पूछा जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको इसका आंसर भी ट्रू फॉल्स में ही करना है। आपको इसका जो आंसर करना है वो भी बिल्कुल ट्रू फॉल्स में ही करना है। आपको यहां पर करेक्ट या इनकरेक्ट और यस या नो ऐसी टर्म्स बिल्कुल भी नहीं लिखनी। मीनिंग चाहे उसका सेम ही होता हो, सर हम ट्रू को ही तो करेक्ट बोलते हैं या ट्रू को ही तो यस बोलते हैं, बट नो इंस्टीट्यूट विल नॉट एक्सेप्ट दिस। आपको उन्होंने ट्रू फॉल्स मैनर में क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसका आंसर बिल्कुल एंड बिल्कुल ट्रू फॉल्स मैनर में ही देना है। और सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख के आपको मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, आपको उसके साथ कुछ रेलेवेंट पार्ट लिखना पड़ेगा। राइट समथिंग रेलेवेंट जो एक्सप्लेन करेगा कि वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। तो आपका जो भी ओपिनियन है ट्रू है तो ये क्यों ट्रू है, आपको कुछ एडिशनल बात लिखनी पड़ेगी जो स्टेटमेंट में नहीं दी हुई। आपको कॉपी पेस्ट एज इट इज स्टेटमेंट नहीं कर देनी, उसके अलावा भी आपको कोई रेलेवेंट पार्ट लिखना है। और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है और इसका करेक्ट वर्जन क्या होता है वो आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपनी स्टेटमेंट फॉर्म में उसको आंसर करेंगे। मैंने यहां पर दो पर्टिकुलर पार्ट लिए हैं सैंपल के लिए, जिसको आप पढ़ के समझ पाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है और आपको अल्टीमेटली कैसा आंसर करना चाहिए। तो देखते हैं जी, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, स्टेट गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन ने बिल्कुल क्लियर पहले ही किया हुआ है स्टेट गिविंग रीजन, मतलब आपको रीजन देना मैंडेटरी है और फिर बताना है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्वेश्चन आपसे मान लेते हैं पूछा गया, क्या बिल्स पेबल अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो यू ऑल नो कि ये आंसर तो हो गया फॉल्स, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बेसिकली कौन से होते हैं, जो एक्सपेंसेस इनकम गेंस लॉसेस वाले होते हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट तो नहीं है। तो ये कौन सा अकाउंट है ये भी आपको बताना पड़ेगा, सिर्फ फॉल्स से बात नहीं चलेगी। तो द बिल्स पेमेंट अकाउंट बिल्स पेबल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट दैट रिप्रेजेंट्स अ लाइबिलिटी। ये एक पर्सनल अकाउंट है और ये लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपने एक्स्ट्रा नॉलेज डिस्प्ले करी, जो आपने बताई, इसके मार्क्स होंगे, ये आपको साथ में बताना पड़ेगा। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है फॉल्स लिखने के साथ। ओके जी, और एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ऑल द पार्टनर्स में डिसाइड, सारे के सारे पार्टनर्स ने डिसाइड किया नॉट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं किया जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज ट्रू, ये पॉसिबल तो है। ऑल पार्टनर्स में डिसाइड, ऑल पार्टनर्स चाह सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी यहां तक की तो सारी बातें क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट हो गई और मैक्सिमम स्टूडेंट बस यहीं तक लिखकर आते हैं और उन्हें फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो आप बताओ ना एग्जामिनर को कि ये ट्रू क्यों है, अगर वो डिसाइड कर रहे हैं कि उनको एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करनी तो इसके बाद लिखेंगे एंड दिस कैन बी डन बाय ओपनिंग मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। और ये कैसे हो सकता है, ये मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपन करके हो सकता है। तो ये जो हम लोगों ने यहां पर एक्स्ट्रा नॉलेज डिस्प्ले करी
जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं था हमने अलग से बताया, इसके इफेक्टिवली मार्क्स हैं, ये चीजें देखकर एग्जामिनर खुश होता है और आपको मार्क्स देता है। ओके जी, तो आई होप ये आपको छोटा सा जो डिफरेंस है समझ में आया होगा, और ये छोटी छोटी चीजें ही आपके एग्जाम में बहुत मैटर करती हैं, और वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अबव 90 मार्क्स कहीं ना कहीं उनका टारगेट है, उनको तो ये बात बहुत अच्छे से जान लेनी चाहिए। सर एक जाते जाते एक बात और बता दीजिए कि हम लोग ट्रू फॉल्स की प्रिपरेशन कैसे करें। देखो जी, आप बच्चों ने जहां से भी जो भी क्लासेस ली हैं, सेल्फ पढ़ा, इट्स वेल एंड गुड, आप वहां से पढ़ते रहिए और प्रिपरेशन करिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, क्योंकि इस बार कोर्स भी न्यू है, तो आप एक काम जरूर करिए। सर क्या, जो भी आपको आपकी स्टडी मटेरियल में, जो इंस्टीट्यूट का आपको स्टडी मटेरियल मिला, हर टॉपिक के एंड में आपको यहां पर दिखेगा टेस्ट योर नॉलेज नाम से एक सेगमेंट होगा, और उसमें हर टॉपिक के 5, 6, 8, 10 ऐसे ट्रू फॉल्स होंगे। इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करिए, इसका ट्रू फॉल्स भी आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, और साथ में आपको सॉल्यूशंस भी आप इसके बाद में देखेंगे, वो भी आपको यहीं पर गिवन होंगे, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, और साथ में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आपको दिख जाएगा। तो मिनिमम टू मिनिमम आप लोग इंस्टीट्यूट के जो हर टॉपिक के बैक में ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं वो सारे बच्चे जरूर करके जाएंगे, और आप लोग एग्जाम में देखेंगे कि आपको कुछ या क्या पता बहुत सारे भी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन वहीं से बिल्कुल कॉपी पेस्ट देखने को मिले। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होगी, और आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू करेंगे पढ़ना। सो टिल देन गुड बाय, मिलेंगे आगे किसी और वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।